हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, सर्दियां शुरू हो गई हैं। मेथी का साग मार्केट में आसानी से मिलना शुरू हो गया है। आज मैं आपको हेल्दी मेथी के पराठे बताने जा रही हूं, बहुत ही सिंपल और एक खास ट्रिक के साथ। पराठे तो सर्दियों में सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी मेथी का साग, 3 ग्लास आटा, 2 टीस्पून अदरक लहसुन क्रश किया हुआ, 7 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 प्याज छोटी सी कटी हुई, 1 टीस्पून नमक, 3 टेबल स्पून सोया, 2 टेबल स्पून हरी धनिया, 2 टेबल स्पून तेल आटे को मिक्स करने के लिए। हमने आटा ले लिया है। आटे के अंदर कटी हुई मेथी का साग ऐड करें। शुरू में हमने एक खास ट्रिक की बात की थी, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी मेथी के पराठे बनाएं तो उसके अंदर सोया और हरी धनिया जरूर डालें, इससे मेथी का कड़वापन चला जाता है। इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स और 2 टेबल स्पून तेल डालें। मिक्सचर को अच्छे से हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा सा डो बनाएं, बिल्कुल सॉफ्ट सा। डो रेडी है, अब डो को 10 मिनट के लिए रख दें। अब 10 मिनट पूरे हो गए हैं, आप थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसका पेड़ा बना लेते हैं। इसको रोटी से थोड़ा मोटा बेलते हैं, आपको जैसा पसंद आए आप वैसा बेल लीजिएगा, मोटा या पतला। पैन या तवा को गरम कर लीजिएगा। पैन गरम हो चुका है, फ्लेम को मीडियम रखिए। अब पराठे को धीरे धीरे सेकिए। जब ये सेक जाए तो आप तेल, घी या मक्खन से फ्राई करें। मैं तो तेल से फ्राई करूंगी। ऐसे ही सारे पराठे घुमा घुमा कर फ्राई कर लीजिएगा। पराठा तैयार हो गया है, चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। मेथी के पराठे बहुत ही हेल्दी, क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। इसे दही, अचार, हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं, कमेंट्स ज़रूर करें, मुझे इंतज़ार रहता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप लोगों के एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। बाय बाय।